हाय, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंजल। आज की वीडियो में मैं एक वाइट सूट के साथ मेकअप करके दिखाऊंगी कि आप वाइट सूट के साथ किस तरीके का मेकअप कर सकते हो। तो चलो, वीडियो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है पॉन्स की ये ब्यूटी वाइट क्रीम, पॉन्स वाली होती है जो। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। इसमें मॉइस्चराइज़र भी है और SPF भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने इससे पहले अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ था। ये मेरी फेवरेट है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ तभी भी मुझे मेकअप करना होता है। और इस वीडियो में हम कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करने वाले नहीं है। इसके बाद सेकंड चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो ये है प्राइमर, लैक्मे का ये ब्लर प्राइमर है। मैं थोड़ा सा इसको लेके पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस खाली इसी को यूज़ करूँगी। और आपको थोड़ी सी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। फिंगर से क्या होता है ना, फिंगर की गर्मी से ना ये अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है, बहुत अच्छे से हमारे फेस को कवर कर लेता है और अच्छे से पूरे पे लग जाता है। इसी से ही बहुत प्यारा सा बेस तैयार हो जाएगा बनके। मेकअप करने से पहले आपको लिप्स पे कोई मॉइस्चराइजर लिप बाम यूज कर लेना, करनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं यूज करूंगी इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं है इसके अंदर, ये मेरा कप का फिनिश हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया इसको। इसके जगह मैंने इसमें डाला हुआ है बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी का ना, मैं इसी को अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे अच्छे से। यहाँ पे मैं ना कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊँगी, बस ये कॉम्पैक्ट का ही काम करेगा। बेबी जॉनसन इससे ना बहुत अच्छी कवरेज मिल जाती है और एकदम नेचुरल नेचुरल सा फेस लगता है कि हमारा फेस पे इसी तरीके का ग्लो है। बस मैं खाली तभी भी, ये मेरा खुद का पर्सनल ही है कि तभी भी मैं मेकअप करती हूँ अपना, प्राइमर के बाद मैं सीधा इसी को अप्लाई करती हूँ। और हमें नेक पे भी इसको यूज़ कर लेना है अच्छी तरह से। जब भी हम याद रखें आप, तभी भी आप कोई भी मेकअप करते हो उसको अपनी नेक पे ज़रूर अप्लाई करें, चाहे वो फाउंडेशन हो या फिर वो कॉम्पैक्ट, कुछ भी, जो भी आप फेस पे अप्लाई करो उसको गर्दन पे भी अच्छे से करना है अच्छे तरीके से, ताकि सब कुछ मैचिंग का लगे, अलग ना दिखे फेस से ना बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना, फेस फेस पे लगा लेते हैं तो फेस अलग दिखता है और नेक हमारी अलग दिखती है ना। तो ये इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी, वही टेक्निक मस्कारे से। गर्मी के टाइम में मस्कारा यूज़ नहीं करती, पेंसिल होती है ना मस्कारे वाली, उसको यूज़ करती हूँ गर्मी के टाइम, क्योंकि
गर्मी के टाइम ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सेफ ही रखें जो आपके आईब्रो की हैं, है ना, एक्स्ट्रा ना लगाएं बिल्कुल भी, तो वो अलग से बिल्कुल गंदी सी नज़र आती हैं, ऐसे लगती हैं कि मतलब यस इसके बाद हम मैं लगाऊंगी कंटूरिंग, तो कंटूरिंग हमें ब्राउन कलर के मैं आई पैलेट से ही ले लूँगी, ब्राउन कलर है जो ये देखो ये वाला, तो मैं इसी को कंटूरिंग ले लूँगी, इसी से कर लूँगी, हमें कहाँ पे जो होती है ना ये इस यहाँ पे लगानी होती है ऐसे इस साइड इन ऐसे करो तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे लगानी है और इसको हमें क्या करना है, हमेशा आपने करना है ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, इसको ऐसे ऊपर की तरफ ही करना है। इसके बाद ब्लश यूज करनी है हमने, पिंकिश पिंकिश सब बनाए वाला ब्लश यूज करनी, मार्केट से लिया हुआ मैंने, लोकल लिया ये कंपनी में, कि हमने थोड़े से ऊपर करना है, तो हो गया ना ब्लश, गुलाबो नहीं बनना हमने, ही रखना है, बाकी मैं नोज़ पे कंटूरिंग नहीं करती कभी भी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया है तो आप दोबारा से कॉम्पैक्ट वहाँ पे यूज़ कर लो। इसके बाद हाइलाइटर हमें कहाँ पे यूज़ करना है, मैं इस पर से ही लूँगी, ये लूँगी गोल्डन वाला लगाऊँगी मैं हाइलाइटर, बहुत अच्छा लगने वाला है, यहाँ पे हमने ब्लश यूज किया उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे करना है लिप्स के नोज के और हेड के, यहाँ पे चिन पे यूज करना है, इसी से ऐसे करते हैं जिसको, हल्की सी कंटूरिंग अपने जो लाइन के इधर कर लेंगे हल्के हल्के उसी से ब्राउन कलर से, ये
उसके बाद हम क्या करेंगे, लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। मैं लिपस्टिक के लिए ले रही हूँ रेड कलर। पहले मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, फिर मैं उसके बाद आईज मेकअप करूँगी। ये हमारे लिपस्टिक अप्लाई हो गई है। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ आई शेडो। देखो अब हम करेंगे आईज का मेकअप। इसके लिए मैं वही वाला पैलेट ले रही हूँ जो मैंने आपको आईज वाली वीडियो में दिखाया था। इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही लाइट सा पिंक काला कलर, देखो पिंक कलर यूज करने वाली हूँ अपनी आई पे। पूरी पे मैं एक ही कलर लगाऊंगी बस, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए मेकअप ना, मेरे को नेचुरली रखना है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। जेल लाइनर अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये मेरा फेवरेट है जेल लाइनर, इसी को अप्लाई करेंगे पहले। इधर भी ऐसे एक साइड हमारी लग चुकी है अच्छे से। इसके बाद मस्कारा अप्लाई करेंगे।
बाद हम अपने बिंदी अप्लाई करेंगे। बिंदी के लिए मैं लगा रही हूँ मैरून कलर की बिंदी। ये है हमारा फाइनल लुक। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय।